हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता उपाध्याय एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3. नाउ लेट्स बिगिन. वन नाइट व्हेन हिज वाइफ एंड द लिटिल प्रिंस वाज फास्ट असलीप, ही लेफ्ट द पैलेस एंड सेट आउट टू सीक ट्रू हैप्पीनेस. एक रात जब उनकी पत्नी और छोटा राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे, उन्होंने महल छोड़ दिया और सच्ची खुशी की तलाश में निकल पड़े. ही पास्ड 7 लॉन्ग ईयर्स इन फॉरेस्ट एंड हिल्स ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम वे बाय विच ही माइट स्टॉप और एटलीस्ट लेसन द पेन, द सिन एंड द सॉरो ही सॉ ऑल अराउंड हिम इन द वर्ल्ड. उन्होंने अपने लंबे 7 साल कहाँ बिताए? फॉरेस्ट में और पहाड़ियों में बिताया. और यह सोचने का प्रयास किया है, वह तरीका सोचने का प्रयास किया जिसके द्वारा वो रोक सकें कम से कम दर्द को, पाप को और सौरव को. सौरव मीन्स दुख को, जो उन्होंने संसार में अपने चारों तरफ देखा था. एट लास्ट वन डे सून आफ्टर मिड नाइट when he was sitting lost in deep thought under a peepal tree at Gaya in modern Bihar, he fell into a trance. Trance means होता है अचेत हो जाना, ठीक है, for a while and got enlightenment. Enlightenment means होता है ज्ञान, okay, आत्मज्ञान. At last आखिरकार एक दिन, soon after midnight, मध्य रात्रि के बाद, जब वह बैठे हुए थे lost in deep thought, गहरी विचारों में खोए हुए थे, अंडर अ पीपल ट्री, पीपल ट्री के, पीपल के पेड़ के नीचे, आधुनिक बिहार में, ही फेल इंटू अ ट्रांस, वह अचेत हो गए. फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वह अचेत हो गए. एंड गॉट इनलाइटमेंट, और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया. एंड ऑल हिज डाउट वर गॉन, और उनके सारे संदेह दूर हो गए. He felt that he had become Buddha. और उन्होंने महसूस किया कि वो बुद्ध बन गए हैं. The enlightened one as well as तथागत, the perfect one later on the peepal tree under which he got enlightenment was called the Bodhi tree, which means the tree of enlightenment and wisdom. प्रबुद्धवान साथ ही साथ तथागत, तथागत प्रबुद्ध, ये बुद्ध के नाम का एक शीर्षक है. तथागत बुद्ध को ही कहा गया है. उत्तम, बिल्कुल सही. लेटर ऑन, बाद में, जिस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बोधि वृक्ष कहा गया, जिसका अर्थ होता है बुद्धि और आत्मज्ञान का वृक्ष. देन ही लेफ्ट द वुड्स एंड केम बैक इन टू द वर्ल्ड टू प्रीच हिज रिलीजन. फिर उन्होंने जंगल छोड़ दिया और दुनिया में अपने धर्म का प्रीच मिस प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दुनिया में वापस आ गए. ही गेव हिज फर्स्ट सेरेमन, सेरेमन मिस होता है उपदेश. ही गेव हिज फर्स्ट सेरेमन टू 5 डिसिपल्स एट सारनाथ नियर बनारस. उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के नज़दीक सारनाथ में दिया था, विच इज कॉल्ड वाराणसी दिस डेज, जिसे आजकल वाराणसी कहा जाता है. फॉर 45 ईयर्स बुद्धा वांडर्ड अबाउट इन द वैली ऑफ द गंगा. 45 वर्षों तक वो गंगा की घाटियों में घूमते रहे. राइजिंग एट डॉन, वॉकिंग 15 to 20 मील्स अ डे एंड टीचिंग ऑल हु केम टू लिसन टू हिम. राइजिंग एट डॉन, भोर में उठते थे, 15 to 20 मील एक दिन में चलते थे और जो भी उनको सुनने आता वो उनको खुशी का मार्ग बताते थे जो उन्होंने पाया था, जो उन्हें मिला था, जो खुशी का मार्ग उनको मिला था वो खुशी का मार्ग वो दूसरों को बताते थे. मैनी मैन फॉलोड हिम, बहुत लोगों ने उनका अनुसरण किया. एंड इवन इन हिज लाइफ लाइफ टाइम लाख्स ऑफ हिंदूज बिकम हिज डिसिपल्स.
और उनके जीवन काल में लाखों हिंदू उनके शिष्य बन गए। बुद्धिज्म वॉज द चीफ रिलीजन इन इंडिया फॉर क्वाइट 600 ईयर्स। लगभग 600 सालों तक बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर हिज डेथ द बुद्धिस्ट बिगेन टू वर्शिप हिम एज अ गॉड। 100 सालों के बाद उनकी मृत्यु के 100 सालों के बाद बौद्ध उनकी भगवान के रूप में पूजा करने लगे। एंड ग्रेट मेनी इमेजेस ऑफ हिम वर सेट अप एट वेरियस प्लेसेस। और उनकी महान छवियां विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गईं। गौतम बुद्ध वॉज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन एवर लिव्ड। गौतम बुद्ध आज तक के सबसे दयालु व्यक्तियों में से एक थे। ही टॉट पीपल दैट इट वॉज देयर ड्यूटी टू बी गुड एंड काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। उन्होंने लोगों को सिखाया कि इट वॉज देयर ड्यूटी, यह उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है टू बी गुड, अच्छा बनना, एंड काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अच्छा बनना और दयालु बनना। एंड दैट इज वॉज अ सिन टू बी क्रूअल आर टू हर्ट एनी वन ऑफ देम। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति अच्छा बनना और दयालु बनना उनका कर्तव्य है, और किसी को भी क्रूअल निर्दयी बनाना या किसी को चोट पहुँचाना ये क्या है, पाप। ही सेड दैट ऑल मैन वर बोथ फ्री एंड इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य भगवान की नज़र में स्वतंत्र और बराबर हैं। एंड दैट वन मैन वॉज एज गुड एज अनदर इफ ही लिव्ड अ प्योर एंड होली लाइफ, स्पोक द ट्रूथ एंड डिड नो सीन। और वह मनुष्य जो एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीता है, सच बोलता है और कोई पाप नहीं करता, वह दूसरों के समान ही अच्छा है। ही इज लिव्ड टू पास अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। सो माई डियर स्टूडेंट्स, I hope you have understood this story. If you have any question, you can ask in the comment box. तो मिलते हैं next chapter के साथ। Bye bye.